में काम करते हुए जो लोग थे, यानी कि जब हालात खराब हुए, हालात खराब होने के बाद ये लोग अपनी जान बचाकर कहीं ना कहीं जम्मू में इस वक्त पिछले 41 दिन से जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 41 दिन से जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, और मैं आपको बता दूं लगातार कोशिश यही की जा रही है कि यहाँ पर जो है ये वो लोग थे जो प्रदर्शन करते हुए यहाँ नजर आए। 41 दिन से यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के पास ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और बाबा भीमराव अंबेडकर साहब वो थे जिन्होंने देश का संविधान लिखा था, और संविधान लिखकर कहीं ना कहीं देश को उद्धार किया था। लेकिन क्या आज इस संविधान को बचाने की कोशिश क्या की जा रही है? ये देखिए, ये सभी के सभी जो लोग हैं वो प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं, 41 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई एक भी एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी इनके पास आने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। पीएम पैकेज के जो लोग हैं वो तो दिल्ली पहुंच गए, जंतर मंतर प्रदर्शन कर रही है, लेकिन यहाँ पर ये जो लोग हैं सुबह से लेकर यहाँ जो है प्रदर्शन करते रहते हैं। और प्रदर्शन देखिए, ये देखिए हालात इस कदर है, सिर्फ ट्रांसफर की बात की जा रही है, और लगातार अपनी कोशिश यही है इनकी कि हमें यहाँ से ट्रांसफर किया जाए, लेकिन कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन को इनकी बात सुनने के लिए देखिए। और रजनी बाला की जो तस्वीर है वो लगी हुई है, रजनी बाला वो हैं जिनको कश्मीर में टारगेट किलिंग इनकी हुई, और शोर बहुत उठा, उसके बाद कोई भी बात जो थी वो रखी नहीं गई। देखिए ये सभी के सभी जो लोग हैं कश्मीर से आए हुए हैं, और लगातार बात यही की जा रही है इनकी तरफ से कि यहाँ हमें जम्मू में ट्रांसफर किया जाए ताकि हमारी जो जान है वो बच पाए, और लगातार कोशिश इनके साथ लगातार यही कोशिश है इनकी कि जान बच पाए ताकि जान होगी। देखिए इनमें से कुछ टीचर्स भी हैं और बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो भी हैं यहाँ पर, सभी के सभी लोग प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं। देखिए सभी इंटर डिस्ट्रिक्ट जो लोग हैं जो प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं, और लगातार देखिए रजनी बाला को लगातार सबको श्रद्धांजलि जो है वो दी जा रही है, लेकिन सरकार ने सिर्फ वादे कर ये बता दिया कि हम इनके लिए कुछ करेंगे। कहीं ना कहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब विफल होते हुए नजर आ रहे हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो यहाँ आना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको इनसे कोई लेना देना ही नहीं है। ये लोग सभी के सभी प्रदर्शन कर रहे हैं, पिछले 41 दिन से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ये बोल रही है कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे हो रहे हैं, कितने अच्छे काम हो रहे हैं ये देखिए, सभी की सभी यहाँ पर आए। रजनी बाला की तस्वीर यहाँ लगी हुई है, जितने भी जो लोग टारगेट किलिंग्स में उनको किल किया गया है कहीं ना कहीं उनकी भी यहाँ पर तस्वीर लगाई गई है। अपनी जान बचाने के लिए ये लोग जम्मू में इस वक्त पिछले 41 दिन से जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए इनसे बात करते हैं, जानूंगा इनसे बात करें। सर मुझे अपना नाम बता दें। सर मेरा नाम अरजिंदर कुमार। अरजिंदर जी, क्या लग क्या रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन देखना नहीं चाहते या अनदेखा कर रही है? सर अब फिलहाल तो लग रहा है कि अनदेखा ही कर रही है, इतने दिन हो गए मैं बैठे हुए, हमारे माँ बाप भी परेशान है, जब वहाँ पे हम होते हैं वो बोलते छोड़ो बेटा नौकरी, कल को गोली मार देगा, क्या करना, जब जाना तो जाना है। हम पहले जहाँ रहते थे उन्होंने भी वहाँ में बोलना शुरू कर दिया कि आप यहाँ से निकल जाओ, हम पहले आराम से रहते थे लेकिन अभी 5-7 साल से आराम से रह रहे थे, अभी जो टारगेट शुरू की जिनके घर में रहते थे वो भी बोलते कि भैया आप चले जाओ, वो तो हमारे साथ कंप्रोमाइज करते हैं, लेकिन उनको वह चलते कि कल को कोई आपको मार जाएगा हमें भी परेशानी होगी, आप इसलिए जितनी जल्दी हो सकते यहाँ से निकल जाओ। और क्या मैसेज देंगे? हम यही मैसेज दे देंगे सर, हमारा भी बीवी है, बाल बच्चे हैं, हमें भी अपने घर में भेज दीजिए। हमें सरकार से यही आलजी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि हम बहुत दर्द दर्द से श्रीनगर में खजल हो रहे हैं, कोई हमारी उधर सुनता नहीं है, हमारे अपने कुछ लोग हैं लेकिन उनका कोई धर्म दीन मजहब नहीं है, वो कब भी आएंगे हमें छूट कर देंगे, हम कोई सिक्योरिटी नहीं है, हम प्राइवेट लोगों के घरों में रहते हैं। सर आप क्या कहेंगे, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम शशि गौतम है। शशि जी, जिस तरह से 41 दिन से आप बैठे हैं जी, कोई अधिकारी कोई एडवाइजर कोई आप तक पहुंचा यहाँ पर? सर हमारी एलजी साहब से एक मीटिंग हुई थी, हमारी कोर कमेटी की,
उसमें एल जी साहब ने हमको आश्वासन दिया था कि आपके लिए एक सुइटेबल कम्प्रेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी बनेगी, लेकिन हम चाहते हैं कि ये तो पता है कि जो एल जी साहब ने कहा वो एक कानून होता है, उनकी बात एक कानून होती है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो उस बात को रिटर्न डॉक्यूमेंट के तौर पर हमारे सामने पेश करें। संविधान की बात कर रहे हैं और जिसने संविधान लिखा आप उसके यहाँ पर बैठे हैं। हाँ जी, क्या लग रहा है कि एल जी नहीं बदलेंगे या बदल जाएंगे, आप बीच में लटक जाएंगे, क्योंकि अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि एल जी साहब बदलने वाले हैं? पहली सर ये क्या होने वाला क्या नहीं ये हम नहीं कह सकते, ये राजनीति अपनी उनकी पॉसिबिलिटी है क्या है क्या नहीं, लेकिन हम क्योंकि हमने एलजी साहब ने कहा तो एलजी साहब का जो है एक बात जो होती है वो कानून होती है, ये सिर्फ हमारी बात नहीं पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी सैलरी आई है और कुछ ऐसे भी जिनकी सैलरी तक बंद हो जी, क्या लग क्या रहा है कि जो लोग ज्यादा आपके यानी कि लीडर बनकर आ गया है कि उनकी सैलरी बंद की जा रही है? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, कुछ डिपार्टमेंट्स में ऐसा हुआ है, लेकिन वो हमारी टीम जो है वो आगे काम कर रही है, जो भी प्रॉब्लम होगी उनको सॉल्व किया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी बात चल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा कोई कदम उठाएगी कि हमारी सैलरी रोकने की कोशिश करेगी। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी भी जी सिर्फ 500 मीटर की दूरी जी, क्या वो आपके पास आए? डिपकॉम साहब से हमारी 2-3 बार मुलाकात हुई है, पहले उन्होंने एडीडी साहब को भेजा था, उसके बाद डिपकॉम से ही बात हुई है, बड़े अच्छे माहौल में बात हुई है, उन्होंने कहा कि अगर आपकी कोई जितनी भी आपकी जायज डिमांड होगी या प्रॉब्लम होगी वो उसको हम हल करेंगे, तो हमारे साथ उनके साथ बातचीत चलती रहती है। कितने एम्प्लॉयज हैं यहाँ पर? जम्मू में इस वक्त कोई 3-3.5 हजार के करीब मुलाजिम है हमारे, 3-3.5 हजार के खिलाफ यहाँ मुलाजिम है। तो जो आप डिमांड कर रहे हो यानी कि ट्रांसफर पॉलिसी, यानी कि हमें जम्मू में ट्रांसफर चाहिए, सबसे पहली जान है तो फिर जहान है, क्या लग रहा है आपको जिस तरह से यहाँ पर कुछ टीचर्स भी होंगे स्कूलों में पद खाली पड़े हुए, लगा क्यों नहीं रहे, कारण क्या है? सर ये तो सरकार को देखना है, क्योंकि जब भी कोई एक रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनती है उसके साथ ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए, ये ठीक है उस वक्त हम गए हमने टाइम टाइम पे सरकार से जो भी सरकार थी उससे हमने बात की, दूसरा ये है कि जब हमने बात की 15 साल से हम वहाँ पे काम कर रहे हैं, हमने समाज के लिए देश के लिए हमने काम किया, लेकिन आज ये ऐसा है कि एक ऐसी स्टेट क्योंकि ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए, हम हमारा अपने परिवार के प्रति हमारे समाज के प्रति हमारे माँ बाप के प्रति कुछ फर्ज है, तो अगर हर कोई भी ऐसी रिक्रूटमेंट पॉलिसी नहीं जिसमें ट्रांसफर पॉलिसी नहीं हो तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आपके अलावा घर के परिवार के लोग भी तो डरते होंगे जब कश्मीर में जाते? नहीं ये तो सर डर तो होता ही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन डर के अलावा एक फर्ज भी है हमारा माँ बाप के प्रति बच्चों के प्रति, वो भी तो हमें निभाना है ना, अगर आप समाज के प्रति निभा रहे हैं, हम वहाँ पे गए ठीक है 5-10 साल के लिए होता है, लेकिन आपने 15-15 साल से वहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या सरकार को नहीं लगता कि हमारे लिए एक ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए? क्या आपको ये नहीं लग रहा कि अगर चुनिंदा सरकार होती तो जल्दी काम हो जाता? सर इसके अलावा हमने चुनिंदा सरकारों में भी बात की थी, वहाँ पे भी हमको आश्वासन मिले, अब एलजी साहब ने आश्वासन दिया, हम चाहते हैं कि आश्वासन को डॉक्यूमेंट में रिटर्न डॉक्यूमेंट बदला जाए, चाहे वो कोई भी सरकार हो, एलजी साहब है, एलजी साहब एक जो ऐसी पावर है जो खुद ही फैसला ले सकते हैं और वो लागू हो सकता है, तो वो क्यों निराकरण है? वही तो हम जानना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि एलजी साहब ने जो आश्वासन दिया है वो उसको रिटर्न डॉक्यूमेंट में पेश करें, ये हमारी बात नहीं है, जम्मू कश्मीर की पूरी आवाम के विश्वास की बात है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की आवाम ने एक एलजी साहब ने जो बात कही है वो विश्वास दिखाना होगा एलजी साहब को कि जो वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, ताकि जम्मू कश्मीर की पूरी आवाम का उनके ऊपर विश्वास कायम रहे। देखिए यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं और महिलाएं भी हैं, सभी के सभी जो है ये प्रदर्शन कर रहे हैं, चलिए इनसे जानने की कोशिश करूंगा। मैडम अपना नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम नीतू है, मैं हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन में जीएमसी श्रीनगर में पोस्टेड हूँ पिछले 13 ईयर से। मैं यहाँ पर पिछले 41 दिन से है जी सर, श्रीनगर को कहीं ना कहीं परेशानी तो हो रही होगी। सर जीएमसी श्रीनगर के पास 250 टेक्नीशियन है और परेशानी नो डाउट कि जिस जगह मैं पोस्टेड हूँ वहाँ हो रही होगी, पर कल को अगर मुझे गोली मारी जाती है वो डिपार्टमेंट भी सफर करेगा, मेरी फैमिली भी सफर करेगी, मेरे बच्चे भी सफर करेंगे, तो जब तक मैं जिंदा हूँ उनके पास होप है कि ये वापस आके काम करेगी, मगर जब मैं नहीं रहूंगी उनके पास नया टेक्नीशियन आ जाएगा, पर मेरे बच्चों के पास नई माँ नहीं आ सकती है। सर कहीं ना कहीं कोविड वॉरियर का दर्जा भी मिला था जी सर, सभी के जी 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 यस सर दर्जा देने के बाद भी जब ये इनोसेंट किलिंग्स का सिलसिला चला, केंद्र ने आज तक कोई ट्यूट तक नहीं किया है कि जम्मू कश्मीर में हालात खराब है।
जी सर, एक्चुअली देखिए हमें कोविड वॉरियर का दर्जा मिला, मगर अभी ये जो ट्रांसफर पॉलिसी का मसला है ये सिर्फ कोविड वॉरियर्स का मसला नहीं है, यहाँ पे 40-45 डिपार्टमेंट्स धरने पे बैठे हुए हैं। तो सिर्फ मैं अपने आप को लेकर कि मैं कोविड वॉरियर हूँ और मुझे आप ट्रांसफर करो, मैं ऐसा कभी नहीं चाहती हूँ। ऐसा तो पहले भी हुआ था कि जब नए GMCs बने तो उस टाइम सर क्या किया इन्होंने कि इन्होंने कहा कि हमें नीड है डॉक्टर्स की, तो हमारे GMC से जितने भी जम्मू बेस्ड डॉक्टर्स थे सबको निकाला गया। तो उस टाइम से लेके सर हमारा एक रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट में अभी भी चल रहा है वो सेक्रेटरीट में कि सर अगर आपको आप जम्मू में थे कश्मीर में, सर मैं कश्मीर में थी GMC श्रीनगर में और 13 साल से मैं एक ही जगह पे हूँ, मुझे कहीं हिलाया डुलाया नहीं है GMC एसोसिएटेड हॉस्पिटल। 2 साल के बाद ट्रांसफर पॉलिसी लागू होगी, 13 साल से क्यों है वहाँ? सर ट्रांसफर पॉलिसी अगर होती तो हम 13 साल से वहाँ नहीं होते, इसीलिए हम अब डिमांड कर रहे हैं कि एक डॉक्यूमेंट आप बनाइए, एक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कीजिए, एक प्रॉपर ट्रांसफर पॉलिसी, ये नहीं बातें नहीं, क्योंकि हमें LG साहब से जब हम मिले, नो नॉट एट ऑल, हमें टेम्परेरी पॉलिसी नहीं चाहिए क्योंकि हमें अपने बच्चों को देखना है सर, हमें अपनी सर्विसेज के साथ साथ जिंदा रहना है अपने बच्चों को पालने के लिए, तो हमें ऐसी कोई 2 साल के लिए कोई पॉलिसी नहीं चाहिए। ना बने क्योंकि रजनी बाला ने भी अपनी एप्लीकेशन, ना कोई महिला रजनी बाला बने, ना कोई जेंट्स राहुल भट्ट बने, क्योंकि जो मरता है सर चाहे वो फीमेल है या मेल है उसकी फैमिली सफर करती है, तो वेयर आर ओनली नोज वेयर द शू पिंचेस, जिनका दर्द है वो जानते हैं। हम लोग यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं मगर अभी जिंदा हैं तो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनके मर गए हैं सर वो क्या करें? कश्मीर में जो टेम्परेचर है थोड़ा कम है, बहुत अच्छा है, प्लेजेंट। 41 दिन से आप यहाँ जी रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के कान पर जून तक नहीं रेंग रही है इस चीज को? जून तक नहीं रेंग रही, मैं ऐसे भी नहीं कहूंगी क्योंकि उन्होंने हमसे मीटिंग भी की एक बार, तो कुछ और भी जो पहले पॉलिटिकल पार्टीज थी उनके भी कुछ नुमाइंदों ने हमारे साथ मीटिंग्स की हैं, हम ड्यूकॉम साहब से भी 2 बार मिल चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि जून ही रेंग रही है, शायद वो अपने तरफ से कुछ काम कर रहे हो, बट जो अभी जो सामने है जो डॉक्यूमेंट वर्क हमें चाहिए वो हमारे पास अभी कुछ नहीं है, तो जब तक हमारे पास कुछ प्रूफ नहीं आ जाता, जब तक हम श्योर नहीं हो जाते कि हाँ अब हम सेफ हैं, अब हम निकल सकते हैं, तब तक सर हम प्रोटेस्ट नहीं छोड़ने वाले हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा नाम कुलदीप कुमार है, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ, बस हमारी डिमांड जो है जी, आने वाले वक्त में हो सकता है इलेक्शन सर पर आ रही है, तो क्या पता आपको वापस बुलाया जाए, क्योंकि अगस्त सितंबर में जो है जम्मू में इलेक्शन होगी और एजुकेशन के साथ आप रिलेटेड हैं तो आपको तो पक्का बुलाएंगे। सर सर वो इलेक्शन की अलग बात है, हमारा यहाँ पर सर्विस मैटर है, ये सर्विस मैटर है, हम गवर्नमेंट से ये डिमांड कर रहे हैं सुटेबल कंप्रेहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी की, हमें एम्पावर किया जाए। आप देखो एक तरफ से हम गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, गवर्नमेंट के अंग है, पार्ट है, हिस्से हैं, हमें दर्द है तो गवर्नमेंट को दर्द नहीं इस बात का कि उनका अंग जो है कहीं पर उसको दर्द तो नहीं है? एक तरफ पीएम पैकेज के बच्चे दिल्ली जंतर मंतर पर जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि उनकी यहाँ पर सुनवाई ही नहीं है, और दूसरी तरफ अर्ली कमिश्नर बदल जा रहा है, थोड़ा बहुत आनाकानी की जा रही है, आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा? सर देखिए हमारे साथ जो है जैसे आश्योरेंस दिया गवर्नर साहब ने, जो भरोसा में दिलाया गया हम उसका इंतजार कर रहे हैं कि सर जो वादा किया है उसको निभाना ही पड़ेगा, वक्त आ गया निभाने के लिए, निभाइएगा उस वादे को, नहीं तो जो है हम तब तक इस धरने से खड़े नहीं होंगे जब तक हमारी ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बन जाती। यस सुटेबल ट्रांसफर पॉलिसी, कंप्रेहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी से कम कुछ भी नहीं और उससे ज्यादा भी कुछ नहीं हम मांगते हैं सरकार से, ना ज्यादा मांग रहे हैं ना कम मांग रहे हैं, यह हमारा हक है, हमारा अधिकार है, तभी हम। जब आपने नौकरी ली थी क्या आपने कोई डॉक्यूमेंट साइन करवाया था कि नो ट्रांसफर? सर कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं किया, ये सिर्फ उस टाइम तकरीबन वहाँ पर 13-14 साल से हम नौकरी वहाँ पर कर रहे हैं, 2009 में अपॉइंट हुए थे और 2006, 2007, 2009, 2011 में 2015 में वहाँ पर लोग लगे हुए हैं, लेकिन आप देखो एक कमरे में बंद करके रखा हुआ है, हम एम्पावरमेंट मांग रहे हैं। 370 अप्रोबेशन का ये नारा देते हैं खत्म हो गया और उसमें यूटी बन गई, यूटी में 2.5 साल के बाद ट्रांसफर पॉलिसी है ही है, तो ये चीजें आप पर लागू क्यों नहीं? देखो सर यही तो बात है ना, हम खुद हैरान इस बात से कि 370 टूट सकता है, 35A टूट सकता है, ये कौन सा बड़ा मसला है? ये तो सुटेबल कंप्रेहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी है ना, ये हमारी एम्पावरमेंट होगी और जब हमारी एम्पावरमेंट होगी तो ये सरकार की एम्पावरमेंट है,
तो हम चाहते हैं सरकार के अपने मुलाजमों को ताकतवर कीजिएगा, उनको अंपावर कीजिएगा। इस तरीके से जो है धूप में इस गर्मी में 40 दिन हो गए हैं, हम जो है 40 दिन के 4 साल बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब तक हमारी सुटेबल कंप्रेहेंसिव ट्रांसपोर्ट पॉलिसी नहीं बनेगी तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। धन्यवाद हमसे बात करने के। देखिए यहाँ पर जो इम्प्लॉयज हैं पिछले 41 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ लगातार यही बताया जा रहा है कि अगर इम्प्लॉयज को इम्पावर किया जाएगा तो सरकार इम्पावर होगी। और प्रदर्शन करते हुए ये लोग यहाँ नजर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं लगातार सरकार का जो काम है वो सिर्फ कागजों में ही दिख रहा है जो है।